jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। भारत और श्रीलंका के बीच विशाखापट्टनम वनडे में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने एक बार फिर विकेट कीपिंग में अपनी मास्टरी साबित कर दी। मैच में उन्होंने श्रीलंकाई बैट्समैन उपुल थरंगा 95 को स्टंपिंग किया। यही विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट भी बना। खास बात यह है कि ये काम धोनी ने इतनी फुर्ती के साथ किया था कि थर्ड अंपायर को भी फैसला देने के लिए कई बार रिप्ले देखना पड़ा। ये इंसिडेंट मैच में 27.1 ओवर में हुआ, जब कुलदीप यादव की बॉल को खेलने में उपुल थरंगा चूक गए। वे बॉल को खेलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बॉल बैट से लगे बिना विकेट के पीछे धोनी के पास चली गई। हालांकि शॉट को खेलने के लिए थरंगा ज्यादा आगे नहीं बढ़े थे, लेकिन इसके बाद भी धोनी ने बिना देर किए स्टंप पर बॉल लगा दी और उनके आउट होने की अपील की। ग्राउंड अंपायर ने फैसले के लिए थर्ड अंपायर से मदद मांगी, जिसके बाद टीवी रिप्ले से विकेट का फैसला हुआ। लेकिन धोनी ने ये स्टंपिंग इतनी तेजी से की थी कि थर्ड अंपायर को भी फैसला देने के लिए काफी वक्त लग गया।